हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम पूरी जो है कवरेज दे रहे हैं, पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आज इस कड़ी में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आईपीएल भी वो जीत चुके हैं, रणजी ट्रॉफी में लगातार अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और उनकी पूरी जर्नी, अप्स एंड डाउन्स बड़े उन्होंने देखे हैं, तो एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप गेस नहीं कर पाए तो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा देते हैं भाई कौन है। तरुवर कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुवर भाई शुक्रिया आपने टाइम दिया। और क्या कुछ चल रहा है, आपकी जो है रणजी कैंपेन अनफॉर्चुनेटली जो है खत्म हो गई, लेकिन फिर से बल्ले से आपने जो है जलवा दिखाया, 500 प्लस रन, लीडिंग रन स्कोरर्स में आप रहे एक बारी फिर से। जी मनोज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ईश्वर का। और ऑब्वियसली सबकी ब्लेसिंग से आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हैं, तो ऑब्वियसली वो यही रहता है कि एज ए बैट्समैन हमारा काम है रन बनाना खूब सारे, तो बस यही कोशिश रही रणजी ट्रॉफी में भी कि मैं हर इनिंग अपने लिए, अपनी टीम के लिए लंबा खेल पाऊँ। और बहुत अच्छी टच में था, इंजॉय कर रहा था, बॉल मिडिल अच्छा लग रहा था और अच्छी मूवमेंट कर रही थी पैरों की। सो जब अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप उस दिन जितने रन हो सकते बनाओ, ताकि अगले दिन नहीं पता अगले मैच में जीरो पे शुरू करना होता, तो मुझे होता है कि जब सेट हो गए हैं, अच्छी बैटिंग हो गई है तो लंबे रन। अच्छा तरुण भाई, आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी भी रही है जो हमें पता है कि एज ग्रुप क्रिकेट से अंडर 19 से लेकर अब तक की, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं उस दौरान, तो कैसे समअप करते हैं? क्या कुछ जो है थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि जो चीज़ मैं अचीव कर सकता था थोड़ा सा पीछे कहीं पर रह गया? जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें मैं अपने 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 कर्म है मनोज। जैसे अगर हम सही टाइम पे रन बनाओ तो ऑब्वियसली जल्दी आप क्रिकेट खेल जाते हो, जो विराट विराट के साथ हुआ, जडेजा के साथ हुआ, तो वही इसमें आई थिंक इट्स ओनली मेरे हाथ में ही था। और आई थिंक सही टाइम पे मैंने रन नहीं बनाया, दैट्स व्हाई आई वाजंट पिक्ड। और बस यही है कि जो उतार चढ़ाव रहे हैं, जितना सीखा है पिछले सालों में, उतना जब तक अभी क्रिकेट जितनी मेरे में बाकी है उतना क्रिकेट में वापस लगा। अच्छा, जैसे काफ़ी बारी आपकी तरफ जब रेफरेंस होता है तो हमेशा जो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स लिखे जाएं कुछ, तो उसमें आता है कि द अदर कोहली। और क्योंकि आपने जब स्टार्ट करी थी तो बिल्कुल बराबरी पर ही थे जिस तरीके से था, तो वो थोड़ा सा होता है कि भाई ठीक है आपके कप्तान है, उनकी जो सक्सेस है जिस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा रहता हुआ है कि हम भी एक वक्त पर साथ में थे, बराबर में थे, वो आज बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। जी बिल्कुल, पर देखिए मनोज, अपनी अपनी रेस भाग रहा है हर इंसान, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होंगे, कोहली भी हैं साथ में भी थे, बट मेरे को आदत है कि मैं आईना देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि यार दूसरे के करके, या तो सबसे अपने हाथ में था। और विराट ने जिस टाइम पे अपने गेम को बढ़ाया है, नेक्स्ट लेवल लेके गया है, तो आई थिंक श्रेय उसको जाता है कि उन्होंने अपनी रेस कमाल की भागी है और अभी भी भाग रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे रन उसमें अभी भी बाकी हैं, तो वो जो सेंचुरी की सब वेट करें वो भी जल्दी लगाएं, और उसके बाद से आई नो कि बहुत सारे सेंचुरी भी बनाने वाले हैं। बट अगर कंपेयर करें तो आई थिंक उन्होंने सही टाइम पे रन बनाए और बहुत सारे मौके उन्होंने दोनों हाथों से पकड़े और जो हम नहीं पकड़ पाए। अच्छा, अभी आपके क्या टारगेट्स हैं, किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है कि कंपेयर जब करते हैं नंबर्स और तमाम चीज़ें, तो एलीट और प्लेट इस सब का डिस्कशन आता है, लेकिन आप क्या अपने लिए गोल सेट करते हैं और किस तरीके से प्रोग्रेशन आप देखते हैं अपने यहाँ से? देखिए, गोल यही रहता है हर टूर्नामेंट में, जब भी मैं अप्रोच करता हूँ कि मैं टॉप रन गेटर्स में हूँ, चाहे प्लेट में खेल रहा हूँ, और ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि आई गेट टू प्ले इन लीग, बट किसी भी टीम के लिए खेल रहे हो टारगेट सिंपल होता है। विराट का भी अभी वही है कि टीम के लिए खेलना है, टीम को जिताना है, तो कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दे सकें, और टारगेट्स बेसिकली यही है कि टीम को जिताना है, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टैलिंग्स हैं, ये तभी आगे जाती हैं जब आप टीम के लिए अच्छा करते हैं। तो अभी जैसे मैं ऑफ सीजन में इंग्लैंड में खेलता हूँ, तब भी यही होता है कि अपनी गेम में मैं कितना इम्प्रूव कर देता हूँ। फिर हम छोटे होते हैं, हम शुरू करते हैं पैशन के लिए, तब हम ये नहीं सोचते हैं सिर्फ कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे गोल्ड के लिए खेलना है, इट इज मोर अबाउट की पैशन, तो मजा आ रहा है खेल के। तो अभी वो पैशन जो मेरा है वो मुझे ही चलाता है हमेशा, जब भी मैं खेल रहा होता हूँ फील्ड में, तो बस जब तक वो चलता रहेगा और धीरे धीरे ऑब्वियसली जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल है उनको मैं पा लूंगा। अच्छा तरुण भाई, जैसे काफी लोगों को याद भी हुआ कि राजस्थान रॉयल्स जब चैंपियन बने तो उनकी जो है कैंपेन का पहला रन जो है आपके ही बल्ले से आया था, तो थोड़ा सा ये, क्योंकि आप फिट इतने हैं अभी भी, तो ये भी रहता है कि यार आईपीएल पर भी नजर रहती है कि परफॉर्मेंस अब ऐसी देनी है कि दोबारा आईपीएल में जो है वापसी हो सके?
जी बिल्कुल बिल्कुल होता है कि वापस जाना है, आईपीएल खेलनी है, तो उसके लिए जो थोड़े धमाकेदार परफॉर्मेंसेस की जरूरत है और उसी पे ही काम कर रहे हैं हम। क्योंकि नॉर्मल परफॉर्मेंसेस करोगे जो कि हम खेल चुके हैं, तो आई नो कि हम रैंकिंग रैंकिंग में नहीं आने वाले, तो यू हैव टू परफॉर्म स्पेशल, तो उसी पे ही आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग ऑन माई बॉलिंग एज वेल। तो होपफुली वो जो लेवल मैं पाना चाहता हूँ अपनी ऑल ओवर परफॉर्मेंसेज में, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेज के साथ, तो होपफुली इन कमिंग सीजन आई कैन डू दैट। अच्छा, आपने जैसे हमने जिक्र भी किया भाई कि अंडर 19 भी वर्ल्ड कप जीता है और उस टीम से जो है खिलाड़ी जिस तरीके से आगे बने, विराट का आपने जिक्र किया और रविंद्र जडेजा भी उसी लॉट में थे आपके, जो है यारी दोस्ती बड़ी लंबी है अब तो। रविंद्र जडेजा आज जिस तरीके से उनका जो है तलवार चल रही है, वो पहले कभी तलवार सेलिब्रेशन कभी निकली थी इससे पहले अंडर 19 में, तो हमें याद नहीं आता। ना, तब बिल्कुल नहीं करते थे, तब इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट थी नहीं, उन्होंने रिस्ट से बहुत ध्यान दिया, तभी तलवारबाजी कर रहे हैं आजकल। बट आई थिंक कमाल की इम्प्रूवमेंट जडेजा ने भी दिखाई है। ऑब्वियसली वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बट नंबर वन बनना विश्व में एज ऑलराउंडर आई थिंक उनको श्रेय जाता है, उनकी मेहनत है, उनकी जो भूख है हर दिन मेहनत करने की, टीम के लिए परफॉर्म करने की, वो लाजवाब है। अच्छा, रविंद्र जडेजा की सब बात करते हैं यार कि फील्डर वो बिल्कुल तगड़े थे, मतलब पहले से एक नेचुरल एथलीट टाइप में। तो जब आपने कभी भी कोई कैंप ज्वाइन किया हो, साथ में जब देखा जडेजा को पहली बारी, क्योंकि तब हमारे फील्डिंग स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं होते थे, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि भाई ये क्या लड़का आ गया? जी बिल्कुल, रविंद्र जडेजा का जो कंधा है शुरू से ही स्पेशल रहा है, मतलब कमाल की दो में जान है उनकी, और फील्डिंग रेंज उनकी बहुत अच्छी है। हालांकि उस वर्ल्ड कप में हम बहुत सारे फील्डर अच्छे थे, मनीष पांडे, जडेजा, तो मतलब वो फील्डिंग क्वालिटी, विराट, तो वो क्वालिटी तो थी, बट स्पेशल शोल्डर जो था वो जडेजा का ही था, और उसके हाथ से अगर तुम भाग गए तो मतलब रन होने वाले। अच्छा, एक तरुवर कोहली है और फिर एक विराट कोहली भी है, तो विराट कोहली के फॉर्म को लेकर अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं लगातार कि यार कभी स्टार से मिल रहे तो एकदम से आउट हो जा रहे हैं, वो दुनिया जो वेट कर रही है कि भाई 71वां कब आएगा। तो उस लिहाज से आप किस तरीके से देखते हैं अपने बचपन के दोस्त को? तब तो आप तो चीकू ही बोलते होंगे उस टाइम से, चीकू का फॉर्म कितना बड़ा कंसर्न है उनके दोस्त के लिए? देखिए कंसर्न तो है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि वो लंबे रन बनाए, बट मेरा ये मानना है कि ये फॉर्म में डिप नहीं है, क्योंकि 50 तो बनाते ही हैं वो, बट जिस तरीके से शुरुआत करी है और पूरा करियर रहा है उनका, उन्होंने उम्मीदें जो है ना अपनी बहुत ही स्टैंडर्ड जो था उन्होंने बहुत ऊपर तक ले चुके हैं। तो सबको लगता है जो व्यूअर की, यार विराट सोनी बना रहा, विराट सोनी बना रहा, सब बात ऐसे कर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो इतना भी लीन पैट नहीं रहा है उनकी बैटिंग में। ऑब्वियसली लंबी इनिंग अभी नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट आने वाला है, और जब आएगा तो फिर वो लगातार 3-4 घंटे आएंगे, पहला का टाइम लगता है बट अगले वाले लगातार आएंगे। अच्छा, अंडर 19 डेज की भी हम बात कर रहे थे, कुछ किस्सा, कोई ऐसी बात जो शायद अभी तक बाहर ना आई हो, कुछ ऐसी कहानी है किसी मैच से जुड़ी हुई या फिर फाइनल से जुड़ी हुई? विराट, जडेजा, आपने मनीष पांडे का जिक्र किया, सारे तमाम नाम वहां पर थे। विराट की है जी, हम क्योंकि हम दोनों नॉर्थ इंडियन हैं तो हमको खाना बहुत पसंद है, तो हम वर्ल्ड कप में घूमते थे, हमारे होटल के साथ में शॉपिंग मॉल था, तो वहाँ पे फूड कोर्ट में जाते थे, तो एक कुआलालंपुर में एक उनकी होते थे जो एम्प्लॉइज थे, तो जब वो सर्व करते थे चीज फ्राइज, तो तब वो चीज फ्राइज को जब वो सर्व करने के टाइम बोलते थे चीज ही, जोर से चीखते थे, तो हम उस टाइम पे जवान थे और हमें मजा आता था नौटंकी करने में, तो हम उसके साथ ही जैसे ही शॉप के अंदर घुसते थे तो हमारा ऑर्डर दूर से ही होता था, हम दोनों टिकते थे दूर से चीज ही, तो वो स्टाइल था हमारा ऑर्डर देने का उस टाइम। एक चीज और है, क्योंकि आपने क्रिकेट में जो जर्नी रही है, जैसे आपने बताया कि अप्स एंड डाउन्स भी देखें, आपकी ट्रिपल सेंचुरी भी याद आती है, तो क्योंकि आपको लगता है कि जो उस टाइम पर इतनी ज्यादा कवरेज और सोशल मीडिया की प्रेजेंस नहीं थी, बट आज जो है चीजें ज्यादा रहती हैं, किस तरीके से आप अपनी जर्नी देखते हैं और आज की तारीख में जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को फिर भी हम देखते हैं कि रिवॉर्ड किया जाता है, चाहे आईपीएल हो चाहे फिर आगे प्रोग्रेशन हो, आपने कैसे बदलते हुए देखे क्रिकेट को? जी हाँ, मैंने तो बताया था, दो ट्रिपल सेंचुरी बनाई है मैंने, एक पंजाब के लिए एक मिजोरम के लिए, तो सोशल मीडिया उस टाइम पे क्योंकि नहीं था, तो वो स्टैट्स भी आई थिंक सबको नहीं पता, बट क्रिकेट चेंज होने में यही है कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम पे इतनी पास नहीं थी, तुम कई बार डॉट जाते थे एज अ प्लेयर, बट अभी गेम इतना चेंज हुआ है कि अगर तुम 3 डॉट मारने में तो मैनेजमेंट भी डाउट करती है, टीममेट भी डाउट करती है कि तू भाई इतनी डॉट बॉल खेला तो तुझे उसको कवर भी करना,
दैट टाइम क्रिकेट इतनी तेज थी नहीं कि 300 300 रन तो बनते ही नहीं थे, 220 रन मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। तो आई थिंक आईपीएल के आने से गेम इतनी फास्ट हुई है और जो प्लेयर्स आए हैं सब इतने अटैकिंग रहे हैं कि अब ऑब्वियसली ऑप्शन ही यही है कि कोई बंदा अगर ज्यादा टाइम नहीं खेलता तो वो टैग मिल जाता है कि ये बंदा स्लो खेलता है। तो आई थिंक क्रिकेट बहुत चेंज हुई है और हम सबको उसके साथ चेंज होना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आईपीएल का आपने जिक्र किया, आपकी फेवरेट टीम कौन सी रहती है? क्योंकि आईपीएल भी आने वाला है, नेक्स्ट क्रिकेटिंग एक्शन आईपीएल ही है। पहली टीम जिससे चैंपियन बने थे या फिर जो उसके बाद आपने ज्वाइन करी पंजाब अपनी होम टीम, किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? देखिए पहले पहले तो ऑब्वियसली 2 साल 3 साल, बट उसके बाद आई वाज अ बिग फैन ऑफ एबी डिविलियर्स और विराट भी उस टीम में थे तो मजा आता था उन दोनों की पार्टनरशिप को देख के। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए या फैन कह लीजिए, आई वाज फॉर आरसीबी, बट एट द मोमेंट अभी कोई टीम पिक नहीं करी है। लेट्स सी, जैसे जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा देखेंगे कौन अच्छे क्रिकेट खेल रहा है, कौन सी टीम को देख के मजा आ रहा है। आरसीबी का एक ये फैक्टर था कि विराट और एबी खेल रहे हैं, या फिर कहीं हम लोग ऐसे जीतते थे कि देख कहते थे हम क्या क्या मैच जीते हैं, चाहे ट्रॉफी नहीं जीत पाए बेचारे, बट स्टिल आरसीबी वॉज एन एक्साइटिंग टीम टू वॉच। और ऑब्वियसली डीएसके जैसे कई बारी अंडरडॉग्स होती है, कई बारी टीम ही पूरी नहीं होती है, स्टिल दे एंड अप विनिंग टूर्नामेंट्स। तो मतलब डीएसके इज ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, आपने आरसीबी का जिक्र किया और विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी आरसीबी की, तो तब लगा कि यार बस शायद आरसीबी की छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फैसले लिए और फिर सारी ही जो है कप्तानियां छोड़ दी हैं। अब ये आपको फैसला कैसे लगा था कि एज अ जो आप हम बात भी कर रहे हैं कि विराट को आप इतने लंबे समय से जानते थे, क्योंकि हम सब लोगों के लिए तो एक शौक सा था यार कि चलो आईपीएल की, हमें लगा ठीक है मे बी उन्होंने कॉल लिया हो, तब रीजन दिया था कि थोड़ा सा वर्कलोड मैनेज करना है, बट जब उन्होंने इंडिया की स्पेशली टेस्ट की जब कप्तानी छोड़ी, आपके लिए वो कैसा था? ये सब बहुत शौकीन था क्योंकि टेस्ट में तो सबसे अच्छे कैप्टन वो रहे हैं हमारे देश के लिए और बहुत अटैकिंग कैप्टन थे, हमें वैसा ही कैप्टन चाहिए था टेस्ट मैच में। मतलब धोनी भी बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, बट आई थिंक वनडे T20 में तो ज्यादा अच्छा यूज करते थे अपने ट्रूप को। टेस्ट मैचेस में एट टाइम थोड़े थोड़े से डिफेंसिव थे, बट विराट एज अ कैप्टन इन टेस्ट मैचेस मतलब आई थिंक होने ही चाहिए थे, जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस में। तो बहुत शॉकिंग रहा है मुझे और आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा जिस करके विराट ने टेस्ट में भी छोड़ी, अदरवाइज आई डोंट थिंक उनको छोड़ने की जरूरत थी या छोड़नी चाहिए थी। आईपीएल में ऑब्वियसली आप अलग अलग लड़के आते हैं, कई बार मुश्किल होता है कैप्टनसी करना, मतलब आप कितना बर्डन लेना चाहेंगे और ही वांटेड टू एंजॉय हिज क्रिकेट, तो वो समझ आता है, बट टेस्ट मैचेस वाज अ बिग शॉकिंग। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया। और अब थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि भाई तरुवर कोहली के क्या प्लान्स हैं अब नेक्स्ट, जो अब आपका दोबारा से जो है डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा, उस वक्त तक क्या तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ अपने गेम में इंप्रूवमेंट का आप देख रहे हैं? जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली कि आईपीएल बर्थ को भी मैं चाहूंगा कि फिर दोबारा आईपीएल खेलना है, फिर परफॉर्मेंसेज अच्छी आएंगी तो फिर जी नेशनल टीम की बात होती है, लेकिन क्या कुछ आपका स्केड्यूल रहेगा अभी इंडिया के हिसाब से ऑफ सीजन जिसे कह लें उसमें, और क्या कुछ कुछ गोल्स हैं टारगेट सेट कर रखे हैं? जी बिल्कुल, मुझे होता है कि जहाँ भी मैं खेल रहा हूँ आई शुड बी समवेयर एट द टॉप, सो टारगेट अभी यही है। आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, अभी यॉर्कशायर में मैं खेलता हूँ साउथ प्रीमियर लीग, तो वहाँ पे आई एम द कैप्टन ऑल्सो ऑफ द क्लब, तो वहाँ पे आई वॉन्ट की मेरी क्लब क्लब जो है वो एक कोई ट्रॉफी जीते, प्लस आई शुड बी अप देयर, और वो जो प्रिपरेशन है वो हेल्प करती है डोमेस्टिक में वापस आके। सो इफ आई एम प्लेइंग इन प्लेट ग्रुप अगेन, तो आई वुड वॉन्ट की मैं ज्यादा रन बनाऊँ, क्योंकि हमारे जो रन है वो हाफ गिने जाते हैं टैली में, क्योंकि प्लेट में खेलते हैं, तो परफॉर्मेंस शुड बी मोर देन एवरीवन एल्स। सो टारगेट यही है कि मैं इंप्रूव करता रहूं अपनी फिटनेस पे और आई शुड बी एट द टॉप विद बॉस पे। चलिए तरुण भाई, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर रन्स लगाए थे, और जैसे आपने ये अच्छा लगा कि खुद ही माना कि भाई लोग यही पैमाना डिफरेंट रखते हैं तो कोशिश होती है कि भाई डबल करने हैं रन्स भी, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके, तो बेस्ट विशेज हैं आपको, इंग्लैंड में भी जाएँ, आपकी जो थैंक यू स्टिंट है सक्सेसफुल रहें, वहाँ पर भी आप जीतें, और जल्द से जल्द हम आपको भी जो है वापसी करते हुए देखें आईपीएल में, और फिर दोबारा आप कंटेंशन में आए जो हम इंडिया कलर्स की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण भाई। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू सो मच।